आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि सरकार ने देश के नागरिकों को गेहूं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस प्रमुख खाद्यान्न के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। कैलाश चौधरी ने कहा कि हमारे देश के लिए सबसे पहले है और हमारी पहली प्राथमिकता देश के नागरिकों के लिए गेहूं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है। हमने गेहूं का निर्यात किया, गेहूं निर्यात की नागरिकों को गेहूं की कमी ना हो। हालांकि गेहूं के निर्यात पर रोक के बाद मंडियों में इस प्रमुख खाद्यान्न की खरीद मूल्य में कमी आई है, जिससे किसान संगठन गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। यह पूछे जाने पर कि ऐसी स्थिति में किसानों को सरकारी खरीद में गेहूं पर बोनस दिया जाएगा, इस पर गेहूं की कीमतें कटाई का मौसम शुरू होने से पहले ही ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के कारण कीमतों में उछाल के कारण वैश्विक आपूर्ति प्रभावित हुई थी। यह दोनों देश गेहूं के बड़े निर्यातक हैं। इसके अलावा युद्ध ने काला सागर में आवाजाही को भी प्रभावित किया है, जो एक प्रमुख आयात निर्यात मार्ग है, जिसका खाद्य कीमतों पर प्रभाव पड़ा है। कृषि को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार की विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए कैलाश चौधरी ने कहा कि वर्ष 2013 के दौरान देश में कृषि का बजट मात्र 23,000 करोड़ रुपए था, जिसे हमने 6 गुना बढ़ाकर 1.32 लाख करोड़ रुपए कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों के हित में काम कर रही है और उनके जीवन में समृद्धि लाना हमारी प्राथमिकता में शामिल है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि उर्वरकों की बढ़ती कीमतों का बोझ भी किसानों पर नहीं पड़ने दिया जा रहा है और सरकार एक बोरिया यूरिया पर 3200 रुपए की सब्सिडी दे रही है। इससे पहले कैलाश चौधरी ने देश के सबसे बड़े सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में सोया महाकुंभ का उद्घाटन किया। उन्होंने इस कार्यक्रम में कहा कि खाद्य तेलों के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार तिलहन और ताड़ की खेती को बढ़ावा दे रही है। सोया महाकुंभ का आयोजन केंद्र सरकार के भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान द्वारा निजी संस्थानों के सहयोग से किया गया है। सोयाबीन सेक्टर की 3 दिवसीय इस सभा में कृषि वैज्ञानिक, किसान और अन्य सहयोगी दलों के लोग लाभ और भाग भी ले रहे हैं। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।